गुड मॉर्निंग. टुडे आवर नेक्स्ट चैप्टर इज हु विल डू दिस वर्क, क्लास 5th PVS, चैप्टर नंबर 16. हु विल डू दिस वर्क. यू कैन सी द पिक्चर. आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसमें अलग अलग आदमी अलग अलग काम कर रहे हैं. सब काम, कोई सफाई का काम कर रहा है यहाँ भी, इसमें सफाई का काम कर रहा है, ये भी सफाई का ही काम है, ये भी सफाई का काम है. इन पिक्चर को देखने से आपके दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं ये चीज भी आ जाएगी, अरे कितना गंदा काम है, कितना कैसा काम कर रहे हैं लोग. आप इस काम को देखना भी नहीं चाहते होंगे, है ना. तो इसी को ही जो दिमाग में जो बच्चों के आता है या कुछ आदमी का आता है कि गंदा काम है और हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, इसी फीलिंग को दूर करने के लिए, इसी हिचकिचाट को, इसी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए लेसन है हु विल डू दिस वर्क. अगर ये लोग उस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो काम कैसे होगा, या ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारा काम हम क्यों नहीं कर सकते, ये मेंटेलिटी को दिखाता हुआ चैप्टर है. हैव यू सीन सच सीन अराउंड यू. क्या आपने कभी ऐसे सीन कहीं देखा है अपने चारों ओर. ये आपको आंसर अपने आप से लिखना है. यस, आई हैव सीन सच सीन्स अराउंड मी. हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु विल डू दिस वर्क. कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील. क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा होगा है कि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, उन्हें कैसा फील होता होगा. लोग सोचे इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये काम करना बहुत मुश्किल है. डूइंग सच वर्क मस्ट बी डिफिकल्ट एंड डर्टी. काम बहुत मुश्किल है और गंदा भी है. पीपल डूइंग दिस देम मस्ट बी फीलिंग ऑफुल. उन्हें बहुत बुरा भी लगता होगा जो इस काम को करते हैं. लेकिन क्या करें, करना पड़ता है लोगों को. व्हाई डू थिंक पीपल नीड टू डू दिस वर्क. अब क्यों करना पड़ता है. पीपल नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी के कारण कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण ऐसा करते हैं. एक इंटरव्यू है, इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इस काम को कब से कर रहे हो. तो वो जो इस काम को कर रहे हैं उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि जो सफाई के काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं. तो उनसे पूछा कि आप इस काम को कब से कर रहे हो. तो उन्होंने जवाब दिया कि लगभग 20 ईयर्स से. और जब उनसे पूछा कि आपने पढ़ाई क्यों क्यों नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट स्टडी. तो उन्होंने कहा कि हमें इस काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत भी होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था मतलब. और ये कहा, ये भी कहा कि ये तो हम लोग तो इसको काम को करते आ रहे हैं वैसे बहुत सालों से. हमारे ग्रैंडफादर कर रहे थे, फिर हमारे फादर कर रहे थे, तो हमारे तो कम्युनिटी का ही काम ही है. तो लोग के दिमाग मेंटेलिटी बैठ गई है कि हम लोग करते आ रहे हैं तो हम इस काम को करेंगे. और किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ऐसा है कि कुछ शहरों में कुछ लोग होते हैं जो यही काम को करते हैं, तो कम्युनिटी को मान लिया जाता है कि इस कम्युनिटी का ही काम है. सो मेंटेलिटी हो जाती है. इंटरव्यू था, इसमें उन लोगों से इंटरव्यू किया गया. सबने यही कहा कि हम लोगों के पास में पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के, हमने पढ़ाई नहीं की. सो सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क. ये काम को कब से करें, लगभग 10-15 ईयर्स से. और उन्होंने कितनी स्टडी की होगी, हाउ मच देयर स्टडी, ओनली क्लास 5. हैव यू ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क. क्या उन्होंने कोई दूसरा काम देखा. नो, दे हैव नॉट ट्राइड. Did the elders in their family also did this work? Family वैसे लोग पहले वैसे लोग काम ही करते थे. Yes, family वैसे लोग करते थे. What kind of difficulty do they face in doing this work? और ये गंदगी साफ करने में, मैला उठाने में, लोगों का टॉयलेट साफ करने में, इस सब में उनको कितनी मुश्किल आती है पता है. They face many difficulties. They have to bear the foul smell. स्मेल भी उसकी आती है और बहुत मुश्किल आती है. The foul smell often results in nausea. कभी कभी उनको सिर में दर्द और नाक में उनकी चढ़ जाती है, है ना. बहुत सारी बीमारियां भी उनको मतलब हो जाती हैं उससे, बहुत ही गंदा जो उन्हें भी लगता है. लेकिन वे क्या करें, उनके ऊपर ये काम थोप दिया गया. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें आप ऐसे काम सोच सकते हो जो आप करना चाहते हो, 5 काम. और ऐसे भी काम 5 काम जो आप करना नहीं चाहते. आपको दोनों के बारे में सोचना है. आप इस क्वेश्चन को अपने आप की जगह सोचेगा इसको, ऐसे कौन से 5 काम है, 5 जॉब्स हैं जो आप करना चाहते हो और क्यों उनको करना चाहते हो. ऐसे कौन से 5 जॉब्स हैं जो आप करना नहीं चाहते और क्यों नहीं करना चाहते. व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल डोंट वांट टू डू. कौन से लोग हैं, कौन से काम हैं ऐसे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो लोग उस काम को करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते. पीपल डू नॉट वांट टू डू लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग, इस टाइप का काम नहीं करना चाहते लोग. सफाई का काम है जैसे, इस टाइप का काम करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका रिस्पेक्ट नहीं है और इसमें कोई चैलेंज नहीं. सिंपल सा
काम है। लोग सोचते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है, कि लोग सोचते हैं सफाई करना तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही आसान काम है, लोग ही सोचते हैं। और इसमें उनकी लगे हमारी तो इज्जत घट जाएगी, इसमें हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, तो लोग ये सब काम करना पसंद नहीं करते हैं जाते। हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, तो ऐसा काम कौन करता है और वे क्यों करते हैं? व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू? तो वे लोग जिस काम को करते हैं, सफाई करना, गंदगी उठाना, मैला उठाना, वे लोग जो होते हैं वे ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों? पुअर एंड अनएजुकेटेड पीपल डू दिस वर्क, ज्यादातर गरीब और अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं तो इस काम को करते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी उनको ये सब करने को मजबूर कर देते हैं। पावर्टी डज नॉट अलाउ देम टू स्टडी बियॉन्ड सर्टेन ग्रेड, उनकी गरीबी जो होती है उनको पढ़ने नहीं देती। लैक ऑफ एजुकेशन मेक देम अनफिट फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ द जॉब, पढ़ाई की वजह से वो ज्यादातर जॉब में फिट नहीं हो फिट नहीं हो पाते। What would happen if nobody did this work? If nobody cleared the garbage laying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? क्या होगा अगर कोई भी इस काम को नहीं करेगा? वे लोग अगर इस काम को नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारे स्कूल के बाहर जो कूड़ा है वो कोई नहीं उठाएगा तो क्या होगा? तुम्हारे घर के बाहर जो एक हफ्ते तक एक महीने तक कोई कूड़ा नहीं उठाएगा तो क्या होगा? क्या होगा कि सारी तरफ बीमारी फैल जाएगी, बहुत ही गंदा लगेगा, पूरा प्लेस बहुत ही भद्दा लगेगा, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। सम अदर वे फॉर क्लीनिंग, क्या फिर इसको सफाई फिर कैसे करें? कल लोग इस काम को नहीं करना चाहते हैं तो क्या कोई और तरीका है? हाँ, ये भी एक तरीका है कि क्रेन को बुला के वहाँ से सामान को उठा लिया जाए और फिर उस गार्बेज को इससे क्या होगी, हाथ से उठाना नहीं पड़ेगा, उसको उठा के और क्रेन से उठा के लेके जाया जाए, सब लोग अपने डस्टबिन में लाए और उसमें डाल दें, वहाँ से क्रेन के द्वारा उसको उठा लिया जाए और एक जगह उसको डाल दिया जाए, वहाँ से फिर ट्रक उठा लेगा उसको और उसको फिर डंप कर देंगे। एक स्टोरी है, गांधी जी किस टाइम की स्टोरी है। उनके एक फ्रेंड थे, उनके एक बेटा था नारायण बाब, उसको बाबला भी बोलते थे, वो 11 ईयर का था। वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहता था। उसने वहां पे देखा कि आश्रम में सभी लोग अपना काम खुद करते हैं, है ना, और वो गेस्ट जो आते थे उनको भी ये काम सिखाते थे कि उन्हें भी ये काम करना है वहां पे। जबकि सोसाइटी में ऐसा होता था कि कुछ टॉयलेट साफ करते थे लोग, वो टॉयलेट साफ करने के लिए उस टाइम पे आज के जैसे टॉयलेट नहीं थे कि फ्लश चलाया बाहर टॉयलेट निकल गया। पहले लोग टॉयलेट किसी बर्तन में किसी उसमें किसी एक बड़े से पॉट में या किसी उसमें कर देते थे पहले एक, या बास्केट में एक टॉयलेट के लिए पहले हॉल होता था और हॉल में लोग टॉयलेट करते थे, नीचे एक बास्केट रखी होती थी या कोई इस टाइप का बास्केट होती थी और उस बास्केट को दूसरे लोग उठाते थे। समझ में आ रहा ना? मतलब जैसे जो कुछ बड़े घर के लोग होते थे या कुछ जो पहले जो वैसे टॉयलेट नहीं थे तो क्या करते थे, टॉयलेट करने के लिए हॉल होते थे उसके नीचे एक बास्केट रखते थे, टॉयलेट किया साफ किया और वो आ गए तो उस टॉयलेट को दूसरे लोग जो पुअर गरीब एजुकेटेड आदमी थे वो उसको उठा देते बास्केट को। तो ये पहले सिस्टम था, लेकिन महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम था वहां ऐसा नहीं था, वहां सबको अपना बास्केट बास्केट खुद उठाना पड़ता था टॉयलेट का और उसको कंपोस्ट में गड्ढे में फेंकना पड़ता था। तो एक बार गांधी जी और उसके दोस्त जो हैं और उनके पूरे लोग जो है वो एक गांव में गए, वहाँ पे वो लोग जो है रुके हुए थे तो गांव में घूम रहे थे एक जगह, वो तो महाराष्ट्र की बात है वो, तो उन्होंने देखा एक आदमी वहाँ पे आया, उन्हें लगा कि सफाई करने वाले लोग है कि वो अपने वहाँ पे सफाई कर रहे थे। उन्होंने कहा देखो वहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है, जाके आप साफ करो। तो जो उसका दोस्त का बेटा था बाबला, उसने कहा देखो सर हमको ही बोल रहे हैं, हमको सफाई वाले थोड़े ना, हम तो अपना साफ कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ लोग सफाई करने की आदत नहीं है और सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है और इसको लोगों को समझाने की जरूरत है। तो व्हाई डिड गांधी जी टीम स्टार्ट डूइंग दिस जॉब क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? गांधी जी के लोग थे वो, उन्होंने सफाई क्यों क्यों शुरू की गाँव में जाते, क्योंकि वो गाँव के लोग को दिखाना चाहते थे कि सफाई करना जो कोई बुरा काम नहीं है, ये भी इज्जत का काम है, हर कोई इसको कर सकता है।
सो हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन। लोग ज्यादातर इस तरह के लोगों के साथ में जो टॉयलेट साफ करते हैं और जो नाले साफ करते हैं उनके साथ में कैसे बिहेव करते हैं। पीपल सोचते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि जो लोग ऐसे टॉयलेट साफ करते हैं नाले साफ करते हैं उनके साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते, कुछ बुरा व्यवहार करते हैं और उनको मानते हैं अच्छे होते हैं, अनटचेबल है, ऐसे लोग से बात नहीं करते जो टॉयलेट और नाले साफ करते हैं। एक छोटी सी और कहानी है यहाँ पे। एक बार एक छोटा सा लड़का 7 साल का भीम गोरेगांव में महाराष्ट्र में अपने फादर के साथ छुट्टियों में गया और वहां पर उसने देखा एक नाई जो था वो एक भैंस के बाल काट रहा था। एक बड़ा बहुत बड़ा अमीर किसान था, उसके भैंस के बाल काट रहा था। तो उस लड़के ने सोचा कि मेरे भी बाल बड़े तो मैं भी बाल कटवा लेता हूँ। तो बार्बर के पास में गया, उसने कहा कि मेरे बाल काट दीजिए। बार्बर ने कहा मैं आपके बाल नहीं काट सकता, इससे मेरा जो रेजर है जिसमें बाल काट रहा हूँ गंदा हो जाएगा। उस छोटे से बालक को बहुत बुरा लगा कि एनिमल के बाल काट सकता है, मेरे बाल नहीं काट सकता, बड़ी अजीब बात है। बाद में वही बालक जो है वो भीमराव अम्बेडकर बना, उसने बहुत फेमस हुआ पूरी दुनिया में, उसने ऐसे लोगों के लिए बहुत काम किया और उनकी इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज टू डू बी क्लीन। आपके स्कूल में सफाई कौन करता है? देयर आर स्वीपर्स हु डू क्लीनिंग इन माय स्कूल, दे क्लीन द रूम टेरेस टॉयलेट एंड द प्लेग्राउंड। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक टू हेल्प इन दिस? क्या सारे बच्चे भी आपके टेरेस में आपके स्वीपर्स की हेल्प करते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हेल्प इन दिस। वी कीप अवर क्लासरूम क्लीन, वी डू नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर इन द बट इन द डस्टबिन। हम भी अपने क्लासरूम में सफाई रखते हैं और वेस्ट को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। इफ ऑल डू नॉट हेल्प, व्हाई नॉट? क्या सभी इसमें हेल्प करते हैं या कुछ लोग हेल्प नहीं करते? हाँ, सम स्टूडेंट टू बिलोंग टू, कुछ लोग होंगे आपके अभी जो हेल्प नहीं करते होंगे, तो सोचते हम तो रिच फैमिली से, हम क्यों ये हेल्प करें। डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क? क्या सारे बच्चे हर टाइप का काम करते हैं? सारे बच्चे ही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं सफाई करना हमारा काम नहीं, हम नहीं करेंगे। डू दे सम टाइम हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? नहीं, हम लोग क्लास मिस नहीं करते हैं, तब क्योंकि जब फ्री होता है, जब लंच टाइम होता है, जब हम लोग सफाई का काम कर लेते हैं। डू द गर्ल्स एंड बॉय डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? यस, बोथ एंड गर्ल्स डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। क्या लड़के लड़के दोनों सेम काम करते हैं? सेम काम करते हैं। वॉट ऑल वर्क डू यू एट होम? आप अपने घर पे क्या काम करते हो आप खुद देख सकते हैं। इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल, मैन एंड वुमेन द सेम? क्या लड़के लड़के आदमी के काम सेम है? नहीं, द वर्क डन बाई बॉयज एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन आर समवॉट डिफरेंट। दोनों का काम अलग है, बॉयज का काम अलग है, मैन का काम अलग है, वुमेन का काम अलग है। फिक्स हो गया कि लेडीज का काम है कुकिंग, स्विमिंग, वॉशिंग एंड आयरनिंग क्लोथ, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब बॉयज का काम बन गया है। और बिजली का काम ठीक करना और ये कार धोना और ये कार चलाना और सब ज्यादातर काम जो है मैन के मान लिया गया है। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस? व्हाट कैंड? क्या आप कुछ चेंज लाना चाहते हो लोगों के दिमाग में? यस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस। जैसे आपको ये चेंज लेके आना है कि हम भी सब काम कर सकते हैं, हम भी खाना बना सकते हैं, तो आदमी को भी सारे काम करने चाहिए। आदमी सारे काम कर सकते हैं, केवल वुमेन का काम नहीं। ठीक है, तो गांधी जी की एक फेमस गीत है, वैष्णव जन तो तेने कही है जे पीठ पर आई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान न आने रे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक आदर्श आदमी वही है, सबसे अच्छा आदमी वही है, सबसे बढ़िया आदमी इंसान वही है जो दूसरों के दुख को समझता है। सबसे आदर्श आदमी, सबसे बढ़िया आदमी वही है जो दूसरों की दुख को बाहर निकालता है, दूसरे के दुख को दूर करता है, दूसरे के दुख को समझता है। ठीक है, और दूसरों के दुख को दूर करने के लिए किसी कोई भी बेइज्जती भी सह सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई ईगो या इस टाइप से नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। आप भी अपने बारे में सोच सकते हैं, आप इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे।